वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टू हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का कमीशन. आई होप सो पिछले वीडियोज़ आपने मेरे देखे होंगे. और आज जैसे कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स. हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं विद द इलस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर एस के सिंह की बुक से मैं डिस्कस कर रही हूँ. राइट, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन. और जितने ही पुराने वीडियोस हैं उसको देखने के लिए टेंशन मत लीजिए. आप हमारे ई कॉमर्स जोन के आइकन के थ्रू प्लेलिस्ट में चले जाओगे. प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर BMT है, इको है, काउंट है और इंग्लिश है, सारा आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलो तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है लाभ का संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व. यानी कि आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हो. कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हो. ऐसा कब स्थिति आता है कि जब पार्टनर्स ये सोचता है कि अपने जो प्रॉफिट है अपनी प्रॉफिट को हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें. ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे पहले जो लिखा है मैंने पहले उसको डिस्कस कर लेना है, उसके बाद आपको मैं अपने अनुसार बताती हूँ. ठीक है, कभी कभी जो पार्टनर्स हैं साझेदार हैं लाभ बांटने के पूर्व लाभ का एक भाग क्या करते हैं या निश्चित प्रतिशत में सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व अथवा विशिष्ट संचय यानी कि कॉल इन इंग्लिश स्पेसिफिक रिजर्व या विशेष कोष में हस्तांतरित करने का निश्चय करते हैं. इसके लिए निम्नलिखित रोजना मतलब मानिए कि दैट इज़ योर जर्नल एंट्रीज जो है की जाती है. ठीक है, बेसिकली देखो होता क्या है, मान लो पार्टनर्स हैं ABC को भी पार्टनर्स हैं तो उनका जो भी अपना रेशियो रहता है इक्वल रेशियो रहे जहाँ जो भी रहे 2:3:4:2 जो भी रेशियो उनका रहता है तो उस रेशियो से वो प्रॉफिट बांटते हैं. ठीक है ना, तो बांटने से पहले वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व बनाकर बिजनेस में उस पैसे को रखें. देखो स्थिति ऐसी होती है कि ऑब्वियसली आप रिजर्व बनाने के बारे में कब सोचोगे, जब आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा. कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है, इन एनी ईयर ऐसा सिचुएशन बिजनेस में आएगा जहाँ पर आपकी प्रॉफिट बहुत अच्छी हो गई. ठीक है, जब प्रॉफिट आपकी अच्छी हो गई, सपोज दैट कि आप बिजनेस कर रहे हो 2002 से. ठीक है, 2002 से 3 आपने फाइनेंशियल ईयर आपका है, 2003 हुआ, फिर 3 से आपने 4 करा, 4 से 5 करा, 5 से 6 से कर, तो मान लो इसमें जो पांचवा जो साल है उसमें आपकी प्रॉफिट बहुत अच्छी हुई. ठीक है, इसमें ही प्रॉफिट हुई. लेकिन आपने पिछले 2 साल में रिजर्व नहीं बनाया और आप यहाँ से आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, यहाँ ही प्रॉफिट हुआ था बट आपने रिजर्व नहीं बनाया, तो आपने डिसीजन लिया कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो रही है तो हम पार्टनर्स क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स हैं इन सारे प्रॉफिट को वो आपस में बांट करके कहाँ लेके चले जाते हैं, अपने पास लेके चले जाते हैं, यूज़ करते हैं अपने पर्सनल जो भी ये यूज़ करेंगे. तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि क्यों ना इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट आप यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अब कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, पहले नहीं दिख रही होगी, छोटा स्क्रीन ने किया था, तो कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट वो लेके चले जाएंगे. सपोज दैट कि प्रॉफिट 1 लाख हुई, तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1 लाख का एक मतलब निश्चित अमाउंट जो है, मान लो एक बटा पाँच तो कितना हो जाएगा 20,000, है ना. तो 20,000 इन लोगों ने डिसाइड किया पार्टनर्स कि इसको हम क्या बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे. रिजर्व क्यों बनाएंगे, देखो बिजनेस का पैसा पार्टनर्स लेके चले जाएंगे अपने पर्सनल यूज़ में, फिर वो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, क्योंकि वो उनका हिस्सा है, उनकी इनकम हो गई, जो करना चाहे सो कर सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो जो पार्टनर्स के पास चला गया तो वो फिर वापस आएगा नहीं बिजनेस में, वो अपना खर्चा करे, अगर आता भी है तो कैपिटल के रूप में आएगा वो. राइट, तो अब अगर ये रिजर्व बना देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट था
20,000 वो बिजनेस में रह गया एज ए रिजर्व बोल के। कल को मान लो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया, किसी प्रकार का एक्सपेंसेस आया, कोई एबनॉर्मल लॉसेस हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि जो यहाँ पे वर्ड बोला गया जनरल रिजर्व जो शब्द बोला गया है, ये बेसिकली कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस हो गई, कोई किसी प्रकार का लॉसेस एक्सपेंसेस बियर आउट करना पड़ा अचानक से बिजनेस को, तो इस 20,000 में से निकाल करके खर्चा कर दिया जाएगा। दूसरा बोला गया स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व्स मतलब पर्टिकुलर, अब मान लो आपने आपके जो है एडवर्टाइजमेंट को लेकर के आपने बना दिया, या डेप्रिशिएशन को लेकर आपने बना दिया, बहुत सारा चीज़ है जिसको लेकर आपने स्पेसिफिक रिजर्व्स बना दिया, राइट। तो जिस नाम से आपने रिजर्व्स बनाए हैं आपने उसी पे क्या करना है, खर्च करना है। समझ में आई बात। तो बेसिकली फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो बिजनेस में या फर्म में कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में, तो वहाँ पर रिजर्व्स का जो पैसा जो रखा रहता है रिजर्व के रूप में, वो बिजनेस को क्या करता है, मदद करता है, बस और कुछ नहीं है। अब मान लो जैसे कि जो पार्टनर है 2005 में इसने ये रिजर्व्स बनाए, 20,000 के रिजर्व्स बनाए, 2005 से लेकर के 2006 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कुछ भी ऐसा बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस नहीं, घटना घटी या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये जो रिजर्व है वो क्या हो गया, रखे रह गए बिजनेस में, क्या हो गया, ये रिजर्व का यूज़ नहीं हुआ। अब नया सेशन चालू हो गया 2006 से 2007, ठीक है ना, कुछ इस रिजर्व का यूज़ आपने इस फाइनेंशियल ईयर में आपने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर फिर पार्टनर्स जो हैं इस रिज़र्व को डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है आपस में, बंटवारा कर लेना है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग जो हमारा ईयर होता है 31 मार्च में आपस में बंटवारा कर लेना है, या फिर इस रिज़र्व को कंटिन्यू नेक्स्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। तो इसके बारे में बेसिकली आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बस अभी हमने सीखा, हमने जाना कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट निकाल कर रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व। उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से रिजर्व्स बनाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, बस ये देखना है। तो देखो सबसे पहला चीज़ आप जानते हो, एज यू नो वेरी वेल, कि हमारा जो, फिर से मैं थोड़ा स्क्रीन करूँगी, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप यहाँ पे लिखते हो टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हो, टू नेट प्रॉफिट लिखते हो, राइट। और यही नेट प्रॉफिट PL appropriation में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, कि बाय नेट प्रॉफिट, राइट। और उसके बाद जो है इस नेट प्रॉफिट का जो भी नेट प्रॉफिट आपका हुआ, तो उसको हम क्या, जो मान सपोज 1,00,000 है, सपोज़ ये प्रॉफिट जो है वो कितनी है, 1,00,000 है, ठीक है, ये प्रॉफिट कितनी है, 1,00,000 है। तो इस 1,00,000 की जो प्रॉफिट है उसको मान लो हमने बोला कि इस 1,00,000 में से हमने क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया, क्या बना दिया हमने, रिजर्व बना दिया, 20,000 का हमने क्या किया, रिजर्व बना दिया। तो बचा कितना मेरे पास, 80,000 बचा, तो उस 80,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या ए बी सी जो भी रहेगा पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ रही है बात, जो 80,000 जो होगा, जो भी इनका रेशियो होगा, उस रेशियो में हम 80,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे ए बी सी में। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, फॉर्मेट भी आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डेबिट साइड में हम रिजर्व दिखाते हैं, राइट। अब आ जाओ जर्नल एंट्री में, जो यहाँ पे हमारे बुक में जो जर्नल एंट्री बोली जा रही है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको अच्छा से याद होगा, तो ऑब्वियसली आप जर्नल एंट्री से कर लोगे, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू रिजर्व या फिर रिजर्व फंड अकाउंट या फिर कोई स्पेशल फंड है या स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसको लिखिएगा, ठीक है। बिंग प्रॉफिट अर्न ट्रांसफर टू रिजर्व, तो जैसा कि आप इस यहाँ पे सिंपली आपने देखा, अभी मैंने दिखाया भी जस्ट अभी आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया उसमें से पार्टनर ने डिसाइड करा कि 1/5 जो है वो हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या दिखाते हैं, टू रिजर्व अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाते हैं। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री आपके सामने आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 अपना दिया हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से मैं जो डिस्कस कर रही हूँ। क्या बोलता है कि जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द एप्रोप्रिएशन, अभी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस में कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू डू। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमित एवं सुमित की पुस्तकों में अर्जित लाभों के विभाजन के पूर्व निम्नलिखित लेन देन को अपलिखित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित एंड सुमित बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स अर्न, ठीक है। आप पहले इसको देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फॉर्मेशन दिए हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। पहला इन्फॉर्मेशन है सैलरी पेबल टू अमित 12,000 पर मंथ, पर एनम है, सॉरी, साल में कितना 12,000 रुपया सैलरी किसको मिल रही है, अमित को। अमित और सुमित क्या है, दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। नाउ 50 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का 10,000 है, सुमित का 15,000। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दे दिया गया है। कमीशन पेबल टू सुमित 10,000, कमीशन में निकालने की जरूरत नहीं है, सुमित का कमीशन कैलकुलेट करके आपको 10,000 दे दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारा कुछ कैलकुलेट है भाई, कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व 20,000, कितना रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट में से रिजर्व में, 20,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कहाँ पर, जनरल रिजर्व में, ठीक है। नाउ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 60,000, देखो यहाँ पर ध्यान से, 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रॉफिट को किसके बीच में, अमित एंड सुमित को, कितने रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। फटाफट इसकी जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, सबसे पहला जनरल एंट्री इज़ वेरी नॉर्मल, दैट इज़ योर सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है अपने को, यहाँ पे सैलरी मिल रही है अमित को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा, ठीक है। और टू अमित कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड, ठीक है, है ना। और टू अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि अमित को सैलरी मिल रहा है, सैलरी से उसकी इनकम बढ़ रही है, उसका कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्रेडिट होगा 12,000। आई होप सो क्लियर आपको हो गया होगा, क्यों डेबिट एंड क्यों क्रेडिट, ठीक है। नाउ चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरल एंट्री की ओर देखते हैं। क्या बोलता है हमारे सेकेंड जो जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल। क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्चुअली है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी गई थी, 10,000 किसका है, अमित का, 15,000 किसका है, सुमित का। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों होगा, नॉमिनल है, लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट जाएगा। और अमित को उसके पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, तो उसकी पूंजी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसका इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट होगा अमित और सुमित का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट, किस चीज़ की एंट्री है, सुमित को यहाँ पर क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, किसी चीज़ का कमीशन मिला होगा सेलिंग के ऊपर या जो भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, अगेन नॉमिनल अकाउंट है, लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड। एंड सुमित को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो उसकी पूंजी, उसकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितने से, 10,000 से, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है, 20,000 रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल रिजर्व में। तो अभी मैंने बताया जनरल एंट्री कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्या होगा,
क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? दिस इज लाइबिलिटी। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व क्या है यहाँ पे? आप हमेशा जनरल जो प्रॉफिट का जो पार्ट है, मैंने चैप्टर फोर में एक्चुअली डिस्कस किया है, अभी पढ़ाना ही बाकी है चैप्टर फोर को। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, इनकम का पार्ट है। तो हमेशा इनकम प्रॉफिट जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और दूसरी चीज़, इसको हम लिखते कहाँ पर है, इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तो एज यू नो वेरी वेल, प्रॉफिट हो, इनकम हो, गेन हो, चाहे कैपिटल हो, लाइबिलिटी हो, जब भी ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखोगे, ठीक है? कभी कभी ऐसे टीचर पूछ देंगे, भैया क्रेडिट क्यों किया, तुमको पता ही नहीं क्रेडिट क्यों किया, बस रट्टा मार लिया। रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट क्यों किया भाई, प्रॉफिट है, गेन है, गेन तो नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे, प्रॉफिट है, इनकम है, ठीक है ना? इसलिए उसको हमको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और बैलेंस शीट के कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है? 20,000 से आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट इज योर जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। 60,000 इसका प्रॉफिट था, उस 60,000 को आपने कितने रेशियो में बंटवारा करना है, 3:2 में आपने बंटवारा करना है। किनके बीच में? अमित और सुमित के बीच में आपने बंटवारा करना है, राइट? तो आपने क्या करना है, 3/5 होगा किसका, अमित का, 60,000 का 3/5 हो गया, और सुमित का कितना हो जाएगा, 60,000 का 2/5। तो फाइनली आप देख रहे हो कि अमित का 36,000 आया और सुमित का कितना आ रहा है, दैट इज योर 24,000, राइट? तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड, एंड अमित को प्रॉफिट हुआ, सुमित को प्रॉफिट हुआ, इनकी पूंजी और इनका इनकम क्या हुआ, बढ़ा। तो हम क्रेडिट करेंगे अमित कैपिटल एंड सुमित कैपिटल को, ठीक है? नरेशन आप लिखोगे, नरेशन पे मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बट नरेशन मस्ट राइट डाउन, और नरेशन लिखने की आदत बनाइए। आप जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम दो, आई डोंट नो द CBSE, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, आप जो भी बोर्ड अपीयर करोगे एग्ज़ाम में, नरेशन लिखना मत भूलना। नरेशन वर्क्स एंड आपको वो मार्क्स भी देता है। नरेशन छोड़कर आओगे, टीचर मार्क्स काटेंगे 110%। अब आप जैसा कि देख सकते हो कि नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, तो नेक्स्ट हम लोग इलस्ट्रेशन 33 डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।